राज कपूर, क्यों वह अपनी फिल्मों में हीरोइन को एक ना एक बार सफेद साड़ी पहनाते थे और कैसे शादीशुदा होते हुए भी राजकुमार को उस समय की हुस्न की मल्लिका नरगिस से प्यार हो गया। आखिर क्यों राज कपूर की मौत का कारण आज तक छिपाया गया। इसके साथ ही दोस्तों, हम आपको ये भी बताएंगे कि राज कपूर की मौत कैसे हुई, क्यों एक प्रोटोकॉल ने उनकी जान ले ली। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। महज 11 साल की उम्र में राजकुमार ने इनकलाब फिल्म से आसमान की बुलंदियों को छू लिया। लेकिन दोस्तों, फिल्मों में काम करने से पहले वह एक मजदूर का काम किया करते थे। राज कपूर के पिता ने उनके करियर शुरू होने से पहले कहा कि तुम जीरो से अपने करियर की शुरुआत करो और जाओ कुछ पैसे पहले मुझे ऐसे ही कमा कर दिखाओ। क्लास 6 में फेल होने के बाद ही उन्होंने फिल्मों में काम करने का फैसला किया और दोस्तों, इनकलाब मूवी में चाइल्ड एक्टर बतौर काम करने के बाद उन्होंने कई सारी फिल्मों में इस एक्टर काम किया और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह एक्टिंग के लिए ही नहीं, एक डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर और एक एडिटर के रूप में भी जाने जाते थे। राज कपूर ने अपनी शादी कृष्णा मल्होत्रा से करी और राज कपूर की 2 बेटियां और 3 बेटे थे। उनके बेटों का नाम रणधीर कपूर, आरशी कपूर और राजीव कपूर था। 24 साल की उम्र में ही दोस्तों वह एक डायरेक्टर बन गए थे और सबसे पहले उन्होंने आज फिल्म को डायरेक्ट किया। 1948 में उन्होंने आरके फिल्म स्टूडियो बनवाया। इस स्टूडियो की पहली हिट फिल्म थी बरसात। राय कपूर उस समय भी रूस, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और टर्की तक जाने जाते थे। उनका असली नाम रणबीर कपूर था, जो आज उनके पोते का नाम है। राज कपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर एक ऐसी फिल्म थी जिसमें 2 इंटरवल थे। आज भी यह हिंदी सिनेमा की सबसे मशहूर फिल्म है। राज कपूर भले शादीशुदा थे, लेकिन उनके चर्चे नरगिस के साथ हमेशा बने रहते थे। राज कपूर ने नरगिस के साथ आवारा, श्री 420 और बरसात जैसी करीब 16 फिल्मों में किया था। मधु जैन ने अपनी किताब में यह लिखा कि नरगिस भी राज कपूर के प्यार में पागल हो गई थी। और अब राज कपूर की फिल्मों में नरगिस ने अपना पैसा भी लगाना शुरू कर दिया था। नरगिस जब 9 साल के लंबे समय तक राज कपूर के साथ रही तो उन्हें ऐसा लगने लगा कि अब राज कपूर उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे और ना ही वह अपनी पत्नी को छोड़ सकते हैं, और इसीलिए नरगिस ने राज कपूर के साथ उनके रिश्ते को खत्म कर लिया। राज कपूर के पास जब सुनील दत्त की नरगिस के साथ, तो राज कपूर ने अपने आप को सिगरेट से जला लिया। राज कपूर का रिश्ता 1960 के दशक में वे जयंतीमाला के साथ भी जुड़ा था, जिसका जिक्र खुद राज कपूर ने ही किया। दोनों के रिश्ते की खबर सुनकर राज कपूर की पत्नी बच्चों के साथ घर छोड़कर कहीं और रहने लग गई और संगम फिल्म की शूटिंग के दौरान तो बात इतनी बढ़ गई कि राज कपूर और वे जयंतीमाला शादी करने वाले थे। जब राज कपूर की पत्नी घर छोड़कर चली गई तो राज कपूर उन्हें मनाने चले गए और फिर राज पत्नी ने तब शर्त रखी कि वह दोबारा वैजयंतीमाला के साथ काम नहीं करेंगे, और पत्नी की इस शर्त के आगे उन्हें झुकना पड़ा। राज कपूर इसके अलावा अपनी हर फिल्म में हीरोइन को सफेद साड़ी जरूर पहनाते थे। कहा जाता है कि उन्होंने एक बार सफेद साड़ी अपनी पत्नी को गिफ्ट करी और वह सफेद साड़ी उन्हें इतनी पसंद आई कि उनकी सभी हीरोइंस ने सफेद साड़ी पहननी शुरू कर दी। अब आखिर एक प्रोटोकॉल की वजह से कैसे राज कपूर की जान चली गई। दरअसल तबीयत खराब होने के बावजूद राज कपूर दादा साहिब फाल्के अवार्ड लेने के लिए दिल्ली जाने को मान गए। सुरक्षा कारणों की वजह से राज कपूर को इस इवेंट में ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाने की अनुमति नहीं मिली, और जब इवेंट में राज कपूर का नाम लिया गया तो उन्हें सीने में बहुत तेज दर्द हुआ। फटाफट राज कपूर को एम्स हॉस्पिटल ले जाया गया और 1 महीने तक वहां रहने के बाद उनका देहांत हो गया। राज कपूर अपने आखिरी दिनों में फिल्म हिना से जुड़े थे, जिसे बाद में उनके बेटे रणधीर कपूर और आशी कपूर ने पूरा किया।